हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक पेंशनर हैं, आप पेंशनर के लाभार्थी हैं, चाहे दोस्तों आप विधवा पेंशन लेते हो या वृद्धा पेंशन लेते हो या तो फिर दोस्तों विकलांग पेंशन लेते हो या किसी भी प्रकार का पेंशन आपको मिलता है, तो आप अपना स्टेटमेंट किस प्रकार से चेक करेंगे। मैं दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना पेंशन का स्टेटमेंट किस प्रकार से चेक करेंगे। इस स्टेटमेंट दोस्तों आपको पता चलेगा आपको कितना पैसा किस मंथ में मिला है, कौन सा अप्रूव हुआ है, कितना पेंडिंग है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं और सीख लेते हैं किस प्रकार से आप अपना पेंशन का स्टेटमेंट निकालेंगे। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। चलिए इस वीडियो शुरू करता हूं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर हो, ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहां पर आपको टाइप करना ई लाभार्थी, जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पे ई लाभार्थी में टाइप करता हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं सेम मैसेज आपको लाभार्थी ही आपको टाइप करना है। टाइप कीजिए, उसके बाद सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पहला ही वेबसाइट आपके पास नजर आता है, लाभार्थी, इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको इसी पेज तक रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ दोस्तों अपने पेंशन का स्टेटमेंट निकालना है, चेक करना है। इसके लिए सबसे नीचे देख सकते हैं आपके पास तीन लिंक नजर आता होगा। तीन लिंक में दोस्तों यहाँ पे मैं लिंक आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। पहला लिंक है दोस्तों यहाँ पे फॉर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट लॉगिन। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ई लाभार्थी लिंक टू है जो सीएससी लॉगिन के लिए। तीसरा भी दोस्तों यहाँ पे सीएससी लॉगिन के लिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी तो दूसरा तीसरा के अनुसार जा सकते हैं, अगर नहीं है तो पहला के अनुसार आप जाइए, ठीक है। अगर आपके पास है तब भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगा, अगर नहीं भी है तब दोस्तों पहला लिंक पर आपको क्लिक करना। ध्यान देना आपको पहला लिंक पर आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद सबसे ऊपर में देख सकते आपको पास नजर आता होगा पेमेंट रिपोर्ट। देख सकते स्क्रीन पर यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट आपको नजर आता होगा, पेमेंट रिपोर्ट को आपको क्लिक करना। जैसे उस पेमेंट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास देख सकते हैं इस प्रकार से नजर आ जाता है। यहाँ पे सो पहला ही ऑप्शन में देख सकते हैं चेक बेनिफिशियरी पेमेंट हिस्ट्री आपको नजर आता होगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना होगा। चलिए मैं डिटेल आपको बारीकी समझा देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नजर आता होगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन पर आ जाइए। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं आपके पास नजर आता है ब्लॉक, तो आपको ब्लॉक पर क्लिक करना और जो आपका ब्लॉक होगा आपको ब्लॉक यहाँ पे आपका चुन लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मेन है। तीसरा ऑप्शन में मैं आपको बताया था, देख सकते हैं बेनिफिशियरी आईडी आपको नजर आता होगा। जब सब बेनिफिशियरी आईडी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ जाता है। बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पे टाइप करना होगा, जो सिलेक्ट कीजिएगा बेनिफिशियरी आईडी तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी टाइप करना होगा। दूसरा अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको सुविधा होगा आपको यहाँ पे चुन लेना है। चलिए मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इधर आपके पास अकाउंट नंबर टाइप करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगर आप बेनिफिशियरी आईडी सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी आप टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देता हूँ। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद देख सकते हैं इधर आपको नजर आता है सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा बायोडाटा ही खुलकर आ जाता है, आपका पेंशन हिस्ट्री ही आपका पूरा यहाँ पे खुलकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बारीकी समझा देता हूँ, आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कर्म संख्या, तो आपको जितना भी पेंशन अभी तक मिला होगा उसका कर्म संख्या यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सात बार मिला होगा, सात यहाँ पे नजर आता होगा आपको, जितना बार मिला होगा वो यहाँ पे कर्म संख्या आएगा। उसके बाद देख सकते हैं वित्तीय वर्ष, किस वर्ष में आपको मिल रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे वर्ष आपके पास नजर आता होगा, यहाँ पे रजिस्टर संख्या नजर आता होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी संख्या, जो बेनिफिशियरी आईडी था वो यहाँ पे शो हो जा रहा है। उसके बाद पंचायत का नाम यहाँ पे, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे योजना का नाम, किस योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं, तो ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है। तो आपके पास विधवा हो या विकलांग हो उसके अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लाभार्थी का नाम, आपका नाम यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद आयु, और यहाँ पे किस माह में कौन सा पैसा मिला वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है, ठीक है। किस माह में मिला वो देख सकते हैं, किस माह से किस माह तक है, देख सकते हैं। पहला जो ऑप्शन नजर आता होगा अक्टूबर से दिसंबर तक मिला हुआ है, उसका यहाँ पे नंबर देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा। उसके बाद रकम देख सकते हैं यहाँ पे कितना मिला हुआ, 1200 रुपया, ठीक है। बिल की तिथि, डेट देख सकते हैं यहाँ पे, डेट आपके पास हो जाता होगा, बिल का तिथि कितना तारीख से कितना तारीख का। उसके बाद देख सकते हैं भुगतान की स्थिति यहाँ पे सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं इसका सक्सेसफुल ही, अगर पेंडिंग में कोई रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे पेंडिंग में आपके पास नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर अप्रूव्ड हुआ हुआ रहेगा तो सिंपल से यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अप्रूव लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल घंटे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, उसको किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और जो भी उसका सोल्यूशन होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।